जोगिंद्रनगर की ऊपरी धार पंचायत के उप प्रधान भूरी सिंह की अध्यक्षता में महिला मंडल कफलोन शुक्रवार को विधायक प्रकाश राणा से उनके निजी कार्यालय गोलवा में मिला। महिला मंडल कफलोन ने अपनी समस्याओं से विधायक प्रकाश राणा को अवगत करवाया। इस मौके पर विधायक राणा ने उनकी कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि धन्यवाद करता हूँ पंचायत ऊपरी धार, ये हमारी जो बहने हैं ये महिला मंडल कफलोन। कफलोन एक ऐसा गांव है, कफलोन में तकरीबन जैसे ये बता रहे हैं कि 50-60 घर हैं। इनकी ये शिकायत है कि एक इनका रोड है जो गांव का रोड है कम से कम 2 किलोमीटर के करीब है 15 साल में कुछ नहीं। और वो रोड को जो है वो चाहते हैं कि उस रोड को पक्का किया जाए। मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ इस रोड को हम 20 लाख हमने इसको PWD मनरेगा में जो है सेंक्शन किया है और इसका हम बड़ी जल्दी इसका हम काम दिखाएंगे। दूसरा जो आपकी इनकी पानी की समस्या है, इनकी जो पाइपें हैं काफ़ी पुरानी हैं, ये बता रहे कि जैसे 90 के बाद जो इनकी पाइपें चेंज नहीं हुई है 1990 के बाद, तो मैं आपको ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम आपकी पाइपों को भी चेंज करेंगे और जो एक आपकी टैंक की मांग है उसको भी हम पूरा करेंगे। तीसरा इनका एक भी कहना है कि हमें एक टैंक भी बनाया जाए, तो आपके जो पॉपुलेशन को देखते हुए कितने गाँव की आपकी जनसंख्या है उस हिसाब से हम टैंक बनाने की भी आपको घोषणा करते हैं। तीसरा आप चाहते हैं कि एक रेन सेटर जो ऊपर धार में बने, क्योंकि जब पूरा गांव आता है तो बस स्टॉप के वहाँ पर कुछ नहीं है। हम बड़ी जल्दी जो है अभी मैंने एक्शन PWD से बात की है और मैंने निर्देश दिए कि उसके आप जो है एक जो एस्टिमेशन बनाओ और जो एस्टिमेशन बनता है उसके लिए हम जो है मैं पैसे का बंदोबस्त करके और बड़ी जल्दी जो आपको रेन सेटर बनाने की भी मैं घोषणा करता हूँ। तीसरा चौथा आपका जो है महिला मंडल को हमने आपको पैसा डाला, एक बार पैसा आया, दूसरी बार फिर हमने आपको पैसा डाला। अगर नहीं आया तो उसको मेरे को देखने दो, नहीं भी आया होगा तो मैं जो है 10,000 रुपये जो है आपके महिला मंडल को डालने की घोषणा करता हूँ। तीसरा आप चाह रहे हैं कि हमारा महिला मंडल बने, आपके पास महिला मंडल नहीं है, तो महिला मंडल के लिए आपको पहले थोड़ी लैंड नाम करना पड़ेगी विभाग के। जैसे आपकी लैंड नाम हो जाएगी जमीन, उसके बाद हम जो है उसको भी जो आपको महिला मंडल बनाने का हम पूरा प्रयत्न करेंगे, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। बाकी जो पानी की समस्या आप कहते हैं कि हमें पानी जो है आधा घंटा पौना घंटा मिलता है, मैंने अभी जो एक्शन हमारे IPH है उनसे बात हुई है, STO से बात हुई है, वो आएंगे आपके गांव में, वो देखेंगे कि वो वजह है और आपको उसके बाद जो 2 घंटा पानी देखेंगे हम घोषणा करते हैं। हिमाचल दस्तक, WebTV के लिए जोगिंद्रनगर से अमित सूद।